उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रही सरगर्मी को। यूपी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। देखिए नामांकन की ओवरऑल रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव में शुक्रवार को आखिरी दिन नामांकनों का अर्धशतक लगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आखिरी दिन कुल 78 नामांकन भरे गए। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए कुल 149 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। सबसे ज्यादा 34 नामांकन मीरापुर सीट पर भरे गए। सबसे कम 6 नामांकन अलीगढ़ की खैर सीट पर हुआ। गाजियाबाद सीट के लिए कुल 19 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। करहल सीट पर कुल 10 नामांकन पत्र भरे गए हैं। सीसामऊ सीट पर अंतिम दिन तक कुल 11 पर्चे भरे गए हैं। वहीं प्रयागराज के फूलपुर में कुल 19 नामांकन भरे गए, जबकि अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट के लिए 14 नामांकन पर्चे भरे गए हैं। मिर्जापुर की मजमा सीट के लिए अंतिम दिन तक कुल 17 पर्चे दाखिल हुए हैं। कुंदरकी में कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। अभी नामांकन पत्र भरे गए हैं। इसमें कुछ तारीखें और मौके हैं जिसमें नामांकन पर्चों की संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि पर्चा वापस लेने की तारीख और स्क्रूटनी के बाद ही ये तय होगा कि हर सीट पर कितने प्रत्याशी आखिर में चुनाव लड़ेंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जबकि उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। 9 सीटों में से करीब करीब हर सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं, लेकिन किसके दांव में कितना दम है ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा।